किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपको जलेबी बनाना सिखाने वाली हूँ और जलेबी बनाते वक्त आपकी कढ़ाई को आप कैसे तैयार करें, उसको बनाते वक्त आपको किस प्रकार की परेशानी होती है, ये परेशानियों को भी मैं समझाते हुए आपको जलेबी बनाना सिखाने वाली हूँ। आइए बनाना सीखें। जलेबी बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक कप मैदा, एक टीस्पून दही, चार टीस्पून बेसन, एक कप मैदे में सवा कप चीनी, मीठा पीला कलर, केसर भिगी हुई और इलायची पाउडर, और बनाने के लिए बॉटल या जिस भी साधन से आप बनाते हैं वो, और चाशनी बनाने के लिए पानी। मैदे का घोल बना लेते हैं जलेबी बनाने के लिए। हमने एक कप मैदा डाला, इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा घोल ढीला करते जाएंगे, एकदम से सारा एक साथ ढीला नहीं करेंगे, हमें घोल बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। और ये घोल हम रात को बना के रख देंगे या शाम को जलेबी बनानी है तो सुबह बना के रख देंगे। रात भर रखने के बाद हमारा घोल अच्छे से फर्मेंटेड हो गया है। अब हम जब इसमें जलेबी बनाएंगे उससे पहले हम चार टीस्पून जो हमने बेसन लिया है वो इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें बेसन मिक्स करने से आपकी जलेबी बहुत अच्छी, जैसी शादियों में मिलती है कुरकुरी, वैसी बनेगी। आप जलेबी को कोरी खाएं, पोहे के साथ खाएं या केसर वाले दूध के साथ खाएं, दूध जलेबी खाएं, दही के साथ खाएं, जैसा आपको पसंद हो वैसा खाएं। जलेबी के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें हमने एक कप में सवा कप चीनी ली है और सवा कप ही पानी लेंगे, यानी बराबर चाशनी के लिए बराबर शक्कर और बराबर पानी लेना है, 1 1/4 कप, ये आपका सवा कप, यानी सवा कप ही चीनी और सवा कप ही पानी है, यानी इसमें जो चाशनी बनाई जाती है वो बराबर शक्कर और बराबर पानी से बनाई जाती है। और इसमें कोई कड़क चाशनी नहीं बनानी है हमें, हमें सिर्फ इसको घुलने तक पकाना है। अभी हमारी चाशनी घुल रही है और चाशनी बनती है तब तक मैं आपको जलेबी के लिए कढ़ाई कैसे तैयार करते हैं ये सिखा रही हूँ। हम जलेबी बनाते हैं तो कढ़ाई जो होती है हमारी, नॉन स्टिक हो चाहे लोहे की हो, अधिकतर पहली बार जब जलेबी डालते हैं तो तेल में हम जैसे डालते हैं तो नीचे जाकर के पेंदे में चिपक जाती है, तो इससे हमें जलेबी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। इस दिक्कत से हमें निजात पाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके की अगर लोहे की कढ़ाई है आप एक तो कोशिश ये करें कि फ्लैट पेंदे का आप कढ़ाई या बर्तन लें ताकि आपकी आराम से जलेबी इसमें बन सके, और दूसरा थोड़ा हैवी उसका तला होना चाहिए। इसको आप बहुत तेज आंच पर एक बार गर्म कर लेंगे, तेल घी डालने से पहले, जलेबी बनाने से पहले आप हमेशा कढ़ाई को अपनी तैयार करें, चाहे नॉन स्टिक हो तो उसमें भी आप ये प्रोसेस करें कि हल्का सा गर्म करें, घी लगा करके उसको कपड़े से इस तरीके से रब कर दें और इसको अच्छे से गर्म कर लें। ये लोहे की कढ़ाई गर्म हो रही है और इसमें हमने इस तरीके से कपड़ा मार दिया, इसमें पलटा या चाकू मार करके रगड़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको धुआं उठता दिखेगा और आपको लगेगा कि इसको रगड़ना, रगड़ना नहीं है, सिर्फ कपड़े से रब करना है। फिर इसको फिर 2-3 बार इस तरीके से करके हम तेज आंच पर इसको गर्म करेंगे और 1 से 2 बूंद तेल डाल करके, और फिर से हम एक रफ कपड़े से अखबार से इस तरीके से रगड़ेंगे, और जब इसमें धुआं उठने लगेगा तब हम इसमें हम अपना घी डाल करके जलेबी बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें जाते ही पेंदे में आपकी जलेबी नहीं चिपकेगी। अगर फिर भी आपको लगे कि पहला पाया हमारा इतना सब कुछ करने के बाद भी चिपक रहा है तो आप क्या करें, तेल को खाली करें, फिर से कढ़ाई को उस तेल वाले लगे हुई कढ़ाई को तेज गर्म चढ़ा दें और बहुत तेज उसको गर्म करके, और फिर से आप रफ कपड़ा या अखबार से अच्छे से इस तरीके से रब करेंगे
इससे क्या होगा, आपकी कढ़ाई फिर से तैयार हो जाएगी। और इसका कोई चांस ही नहीं है कि आपकी, अगर इस तरीके से आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपके कोई जलेबी या मालपुआ चिपकेगा। अब इसमें हम तेज़ गर्म हो गई, इसमें हम तेल डाल रहे हैं। अब तेल डालने के लिए भी आप ये देखेंगे कि तेल के लिए पूरा फुल नहीं भरना है, हमको सिर्फ आधी भरनी है। जलेबी के लिए घी या तेल जो भी आप डाल रहे हैं वो सिर्फ आधा ही डालना, हमको फुल ऊपर तक नहीं भरना। हमने अपना घी गरम करके रखा था, हमने अपना घी डाल दिया इसमें, ये देखें बिल्कुल फुल नहीं भरना है। अगर फुल भरेंगे तो जलेबी जैसे डालेंगे तो आपका तेल या घी बाहर निकल कर आएगा। हमारा तेल गरम होता है तब तक हम अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। हमारी चाशनी में शक्कर पूरी तरीके से घुल गई है। इसमें हमें कोई एक तार दो तार नहीं बनाना है, सिर्फ जस्ट घुलने तक, उबलने तक। एक उबाला आ जाए तब हम दो बूंद, जस्ट एक दो, बस दो बूंद डाल करके हम नींबू का और इसको हिला लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। बार बार अपन चाशनी को गर्म करते हैं, जलेबी डालते हैं तो वो जम जाती है, कई बार चाशनी जो है जलेबी के ऊपर जमती है। तो ये नींबू डालने से, नींबू ना हो तो टाटरी डाल दें, दोनों में से कोई भी एक हो तो दो बूंद आप इसमें डाल दें, तो इससे आपकी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और चाशनी हमेशा सॉफ्ट रहेगी और आपकी जलेबी को अच्छा रसीला भी बनाने में सहायता करती है। हमारी चाशनी लगभग अब बन गई है। इसमें हम इलायची डाल लेंगे, इलायची पाउडर, जो भी टेस्ट आपको पसंद हो। थोड़ा सा मीठा पीला कलर पानी में घोल करके, अगर आप, ये भी ऑप्शनल है, अगर पसंद हो तो डालें, पसंद ना हो तो ना डालें। और केसर डाल लें और इसको चला लें। अब हम अपना गैस बंद कर देंगे और चाशनी गुनगुनी रहेगी तब तक हम इसमें अपनी जलेबी डाल लेंगे। मीडियम गरम तेल में हमें जलेबी निकालनी है। जलेबी सबको घुमाना आता है, लेकिन कई बार अधिकतर जो नए नए लोग सीख रहे हैं उनको जलेबी घुमा तो लेते हैं लेकिन वो उसकी जो पूंछ होती है लास्ट वाली वो अलग हो जाती है और पूरी जलेबी खुल जाती है। तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल आहिस्ता से इस बॉटल से बनाएं, चाहे आप इस तरीके के कोन से बनाएं, जिससे भी आप बनाते हैं टाइट रखेंगे, थोड़ा सा गोल एक तो, और जब आप बनाने लगे उससे पहले बेसन डाल के बहुत अच्छे से फेंटना है। और आप एक बार ये तरकीब देख लें कि कैसे बनानी है। जैसे अंदर से शुरू करी जलेबी बनाना हमने, और फिर लास्ट वाला जो मुँह है ये अंदर ले जा कर के वापस उस मुँह से मिलाना है। बाहर, अंदर से बाहर बनाया और लास्ट वाला मुंह अंदर वाली तरफ ले जाके मिला देना है। फिर से देखें आप एक बार, अंदर से बनाया, घुमाया और लास्ट वाला मुंह अंदर वाले मुंह से ले जा कर के मिला लेना। इसके लिए आपको तेल मीडियम गर्म ही चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं चाहिए। एक बार अंदर से चलाया और बाहर से ले जा के अंदर मिला दिया तो आपकी गोल एकदम अच्छी जलेबी बनेगी और वो खुलेगी भी नहीं। आप मध्य आँच पर इस तरीके से बनाते रहें और देखें कि कोई भी जलेबी खुली नहीं है। आप अंदर से शुरू करेंगे घुमाना और बाहर वाली जो लास्ट कोना होता है उसको अंदर ले जा करके उस जलेबी के मुंह पर मिला देना है। आप जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी जलेबी, देखिए बिल्कुल बाजार में गोल गोल बनती है, ऐसी बिल्कुल गोल जलेबी बनेगी और तलते वक्त आपकी खुलेगी नहीं। बार बार इसी बात को मैं रिपीट कर रही हूँ कि अंदर से शुरू करना है और ख़त्म करते वक्त वापस अंदर वाले मुँह पर ले जा करके लास्ट वाले मुँह को मिलाना है। और हल्की गुनगुनी चाशनी में हम इनको डाल देंगे। इसमें डालते वक्त ये ध्यान रखना है आपको कि आपको बहुत देर इसमें नहीं रखना है, दो मिनट बाद इनको आप निकाल लें। अगर ज़्यादा देर आप इनको छोड़ देंगे तो आपकी जलेबी सॉफ्ट हो जाएगी और कड़क नहीं रह पाएगी। इनको ज़्यादा देर रखा भी नहीं जाता है और बस एक बार हिलाया इनको और गुनगुनी चाशनी हो। जब अगर आपको लगे कि आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप इसको फिर से हल्की सी गुनगुनी कर लें और दो मिनट रख कर के आप इन जलेबियों को निकाल लें। हमारी जलेबियां बनकर के तैयार हैं, बहुत अच्छी बनी हैं और बहुत जूसी बनी हैं। इसको आप बनाएंगे, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, गाढ़ा घोल रखना है। अगर आपको लगे कि गाढ़ा है और आपकी बॉटल से नहीं निकल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और अगर आपका घोल पतला हो जाए तो आप उसको बेसन को डाल के अच्छे से फेंट करके बनाएं। मीडियम आंच पर बनाएं, चाशनी कड़क नहीं करनी है, उसमें नींबू डालना है और दो मिनट ही जलेबी को रख करके निकाल लेना है। तीसरा जरूरी पॉइंट, आप इसको बनाने के बाद खुला फैला करके रखें, किसी टिफ़िन में या किसी डब्बे में कवर करके या पॉलीथीन में कवर करके नहीं रखना है। इसको आप जितना खुला रखेंगे
उतनी देर आपकी जलेबी जो है कुरकुरी रहेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।